स्वागत है आपका। आज हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में बात करेंगे। जो इंडिया है 2021 और 20 में कितने मेडल अपने नाम किए हैं, यानी कितने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, और उन सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया है इंडिया गोल्ड मेडल लाने में। उन खिलाड़ियों पर हम देशवासियों को गर्व है। अभी तक भारत देश ने 1900 से लेकर 2021 तक के बीच में कुल 35 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। लेकिन जो इंडिया की हॉकी टीम है उन्होंने केवल 11 मेडल अपने नाम किए हैं। सिर्फ 11 मेडल हॉकी की टीम से आया हुआ है। जो इंडिया में जो 35 मेडल हैं उनमें से 11 जो मेडल है वो हॉकी की टीम के नाम है। लेकिन अभी तक जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है वो सिर्फ शूटिंग में लाया गया है। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में लाया है, और आप जानते हैं जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक होता है उसमें नीरज चोपड़ा ने अपना नाम रोशन किया गोल्ड मेडल लाकर पूरा विश्व में। ये जो दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हासिल किया है अभी तक। आप जानते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है जापान में हुआ है, भारत समेत और 105 देशों ने इस खेल में भाग लिया था, जिसमें से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 2020 में सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपने खिलाड़ियों की अधिक संख्या में भेजकर, और उन खिलाड़ियों की संख्या 630 है जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और अमेरिका ने 108 मेडल अपने नाम किए हैं और इनमें से केवल 36 गोल्ड मेडल हैं। तो इस तरह से ओलंपिक खेल में अमेरिका सेकंड स्थान पर रहा है इस बार। तो अब हम भारत देश के बारे में बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत खिलाड़ियों ने इस बार भारत के खाते में 7 मेडल जोड़ा है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये प्रदर्शन रहा है इंडिया का इस बार ओलंपिक खेल में। तो हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने शनिवार को जेवलिन थ्रो में यानी भाला जो फेंक होता है उस खेल में गोल्ड मेडल जीतकर एक बहुत बड़ा नाम कर दिया है भारत देश के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है भारत देश के लिए। और इस ओलंपिक खेल में पहला गोल्ड मेडल है जो इंडिया ने जीता है अभी तक। और नीरज चोपड़ा पहले व्यक्तिगत ट्रेड एंड फील्ड है जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में अपने 87.58 मीटर के दूरी के साथ अपना पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ये भारत के लिए पहला गोल्ड है ओलंपिक खेल में। अब हम बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में, जो एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं। मीराबाई चानू पहली हैं जिन्होंने ओलंपिक खेल मेडल जीतने का जो सिलसिला वो शुरू किया था। तो ये जो मुकाम है उन्होंने 39 किलोग्राम के कैटेगरी में ये हासिल किया है। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 15 किलो और सेनेट में 87 केजी से कुल मिलाकर 202 केजी उठाकर उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो आगे हम रवि दहिया के बारे में बात करें, जो एक पहलवान है। तो उन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो वर्ग में कुश्ती लड़कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। रवि दहिया ऐसे पहलवान है जिन्होंने भारत के खाते में सेकेंड सिल्वर मेडल जोड़ा है। लेकिन उनसे सभी को गोल्ड की उम्मीद थी, बट लेकिन वो फाइनल में जाकर मुकाबला हार गए। लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल भारत के खाते में जोड़ दिया। तो आगे हम लवलीना बोरगोहेन के बारे में बात करेंगे। लवलीना बॉक्सिंग प्लेयर है जिन्होंने भारत के इस ओलंपिक खेल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, और उन्होंने भारत के खाते में एक और मेडल एड कर दिया है। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन लास्ट में जाकर उसे फाइनल में हार गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने भारत के खाते में एक और मेडल जोड़ दिया था। तो आगे हम बात करेंगे बजरंग पुनिया के बारे में, जो एक पहलवान है। और बजरंग पुनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्री स्टाइल के 65 किलो वर्ग के कुश्ती में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और बजरंग पुनिया ने भारत की झोली में 4th कांस्य और कुल मिलाकर 6th पदक डाला है। और बजरंग पुनिया इस ओलंपिक खेल में दौलत नियाबेके को हराकर जीता है। तो आगे हम ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिसे आप जानते होंगे, जो भारत की सबसे लाडली लड़की है। तो जिनका नाम है पीयूष सिंधु, आप समझ चुके हैं किस खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी। पीयूष सिंधु है, वो बैडमिंटन खेलती है, और इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अपने देश का नाम रोशन किया है। और इस तरह पीयूष सिंधु ने लगातार 2 बार अपने मेडल नाम किया है बैडमिंटन खेल में। भारत को पहली खिलाड़ी बन चुके जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक के बैडमिंटन खेल में लगातार 2 बार मेडल अपने नाम किया है। तो भारत ने 41 साल के बाद ओलंपिक खेल में हॉकी खेल में मेडल जीता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 साल के बाद यह मेडल मिल पाया है इंडिया को। और इस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और इससे पहले भारत ने वसुवरण वासुदेवा की कप्तानी में और 1980 में मास्को में और ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इस तरह से पूरे ओलंपिक खेल में भारत ने 7 मेडल अपने नाम किया है। तो हमें उम्मीद है कि भारत अगले ओलंपिक में अच्छा खेलेगा और गोल्ड मेडल अपने नाम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।